आज है 24 मार्च 2018। काफ़ी आने में हमको देर हो गई है, कुछ बंदर सब आ गए हैं खाने के लिए। सामने आप रोटी आगे ये सब चने वगैरह देख रहे हैं, नहीं हलवा भी श्रीमती जी ने दे दिया था, हलवा ले जाओ। इन लोगों को भी आने की संख्या कम है, दो दस दस साढ़े दस का टाइम है, सुबह में मिलते हैं या शाम को। तो मैंने आना बंद कर दिया। शाम में कभी कोई आ गया, कहीं कोई आ गया और देर होती है, अंधेरा होने लगता है, वो बेकार होता है। कल हमारी बेटी आई थी यहाँ खिलाने के लिए, हम लोग शाम को भंवरेश्वर गए थे, सुबह मझलाहा गए थे, कल रात में हम सो पाए हैं कायदे से। तो जिन लोगों का नाम मैंने नोट किया है उनके नाम से ये चलता रहेगा, या नहीं कि एक बार मैंने नाम ले लिया तो जो पैसे नहीं भेजते हैं मैं उनके नाम से भी कर देता हूँ। सुरेश जाट पंजाब के, इन लोगों को मैंने नाम नोट किया है। कल रात में 12:30 बजे इंग्लैंड से मीना बेन मनु भाई का फ़ोन आया, 12:30 बजे रात में। तो खैर अब उन लोगों को नहीं है, उनको आइडिया रहा होगा, तो चिफाट से हमने फ़ोन उठा लिया। तो उन लोगों के नाम से बहुत चलता रह गया। देखिए वो छोटे छोटे से आ रहे हैं, अभी सब आएंगे, ये बैठे हैं, वो बैठे हैं, सब ये छोटे छोटे, देखिए हनुमान जी बालाजी के रूप में। अगर आपके दिल में प्रेम नहीं है इनके प्रति, ममत्व तो नहीं है, तो सुई के, आपने सुई देखी है ना, सुई के नोक बराबर हनुमान की कृपा आप पर नहीं होगी। और जिस पर हनुमान की कृपा नहीं होती है उसके जैसा अभागा संसार में दूसरा नहीं है। अब मैं इस रोटी को, मैं नाम बाद में पढ़ूंगा, मैं ये ले 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 भैया, ले रोटी को मैं उस बात फेंकूंगा, ये मैंने फेंक दिया, अब ये सब नीचे उतर जाएंगे, खाएंगे जाके। सब धीरे धीरे आ रहे हैं, देखिए सब आ रहे हैं। ले भैया ले खाओ, उठाओ ले खाओ, देख रही इधर, किसी को रोटी पसंद, किसी को चना पसंद, ले खाओ, ये ले लो भैया, खा लो भैया, लो बिल बिल के खाओ तुम लोग, ये अपने इनको चना ज़्यादा पसंद है, देर है तुम गोलू की देंगे भाई, तुम छोटे ले लो, लो बालाजी लो खाओ, खाओ बालाजी खाओ, कितने छोटे से हैं और सुंदरू सुंदरू बने हैं ये भाई। अब इसी तरह से एक एक दो दो करके आ रहे हैं, देखिए ये बहुत सीधा टाइप का है, ये कुछ नहीं कहा, ढूंढ रहा है उसके अंदर, ये देखिए बोले तरकीब से ढूंढ रहा है, ऐसा एक तार बंधा है कि क्या है, ये कीड़ा मकोड़ा था क्या। लो भाई तुम्हारे पास आके तुमको हम दे दें, यहाँ तो कांटा बहुत है भाई, कांटों में जाना बड़ी दिक्कत होती है, लो तुम हाथ से ले लो, लो खा दो, खाओ 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 खाओ, तुम बड़े सीधे हो भाई, तुम बड़े सीधे हो भाई, अब देखिए इतनी उम्र के हैं लेकिन बहुत सीधे हैं बेचारे, हाथ में दिया ले लिया, देखो संख्या आज बहुत कम है, तो सब घेर लेते हैं आके यहाँ पर, कोई डंडा यहाँ रख दिया, अभी वहाँ सब जाएंगे, सब इसी पेड़ों में सब घुस के विश्राम कर रहे हैं। तो कैमरे को बंद करने के पहले मैं जरा नाम लोगों का पढ़ लूँ, और मेरा मतलब है कि देखिए जो पैसे नहीं भेजते हैं उनके नाम से भी मैं भोज करता रहता हूँ, हमारा काम वही है, धर्म का काम का मतलब है जो दुखी इंसान हो उसकी मदद करो, जो दुखी जानवर हो उसकी भी मदद करो, उससे ज़्यादा करो। इंग्लैंड से मीना बेन मनु भाई, कुमारी मीना बेन कोई दूसरी है, पुष्पा बेन व उसका परिवार, ओबरा से बैजनाथ अग्रहरी, ये स्वयं भी बानर भोज करके कुछ न कुछ नतीजा सामने देख रहे हैं। पंजाब से सुरेश जाट, इनसे मैंने पैसे नहीं लिए और इनका कार्य कर रहा हूँ, दुनिया को सिखा रहा हूँ कि किसी दुखी की मदद, मनुष्य हो या जानवर, दुखी की मदद कर देना सबसे बड़ी पूजा है, और अगर इससे बड़ी कोई पूजा हो तो मुझे प्रूफ करो,
हमें उसका प्रमाण दो, साबूत दो, तो हम लाखों का इनाम देंगे। दुनिया को सिखा रहा हूँ, किसी दुखी की मदद कर देना सबसे बड़ी पूजा और तीर्थ भ्रमण है। आज अपने निज सत्कर्मों के बल पर दुनिया को चुनौती दे रहा हूँ, हुजूर आप भी कुछ करें तो शान से कह पाएंगे कि मैं सचमुच का इंसान हूँ और ऊपर वाले को मेरी फरियाद सुननी पड़ेगी। जय श्री राम। हत्या बंद कराना सबसे बड़ा है काम, तब बोलो जय श्री राम। हत्या बंद करा देना सबसे बड़ा है काम, तब बोलो जय श्री राम। ठीक, हत्या बंद कराओ, यही मैं लोगों को समझाता हूँ, बताता हूँ। ये देखिए, ये जो गुजरात के कौन मीना बेन और कौन पुष्पा बेन, कोई बेन जो है, आप लोगों के नाम से चलता रहेगा। आप पैसे आप कभी भेजिएगा तो हमसे बोल करके, हमसे पूछ करके, क्योंकि बस पैसा आवे और खर्चा हो जाए, यहाँ पैसों का अंबार नहीं लगाना है। तभी हमारी शान बनी रहेगी, तभी मैं दुनिया को चैलेंज कर पाऊँगा। ये देखो दुनिया वालों, धर्म क्या है, इंसान किसे कहते हैं, मनुष्य किसे कहते हैं, ये जानो। लो भैया थोड़ी तुम लोग की ले लो भैया, ये वो आगे देखो उसको, ये दरवाजा, ये भी घुड़क रही है, वो भी घुड़क रही, क्यों भैया उसको कह दिए घुड़क रही हो, हम बहुत मारेंगे। अच्छा, और तुम एक नंबर की भिकमंगी हो, ओए 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 आवाज़ करती जाएगी, ये बड़ी भिखारीन टाइप की है। देखो उसको भी दरबार ही, हम दिया एक झांपल तुमका, लो भैया देव खाओ, ये देखो आदत है इसकी मांगने की, इसकी आदत भीख मांगने की, कहीं उसको भगा दिया, कहीं उसको भगा दिया, देर है तुमको, देर है। देख बेचारी मारे डर के वहाँ भाग गई, देव तुम खाओ, दे खाओ वहाँ। देखिए अब उसको खाता हुआ देखा, अब आगे बढ़ गई, हम ये धरा है डंडा, अच्छा हम तीन एक डंडा करते। लो भैया देव, ऐ तुम लोग भाई छोटे छोटे से हो भाई, तुम लोग छोटे, ए हाँ जाओ, तुम लोग छोटे छोटे से हो भाई बालाजी, आज बालाजी लोग बहुत आराम कर रहे हैं, और जितना बढ़ोगे दिया था वो सब खा चुके हैं, अब मैं उनको फिर जाके हाथ में दूंगा। मैं बूढ़े बाबा को हलवा दे दें क्या भाई, अब तुमको जाएंगे तो छोटे बच्चों को नहीं मिल पाएगा, कहाँ ये मांग रही जैसे। देखो ये बड़ी चटोरीन, बड़ी दुष्ट बुढ़िया है, बुढ़िया नहीं है तो जवान है, देख मांगने की आदत है, ये हलवा खा तो रही बना, अब किसमिस पड़ी है तो निकाल के फेंक रहे, ये देखो, ये देखो सब नोच नोच के, ये देखा, ये देखो जो किसमिस पड़ा था ये, और उसने दिया, पहले लोग सूंघते हैं, देखा सूंघ के छोड़ दिया, देखो दुनिया वालों हलवा, बहु हलवा खाते हो ना, सूंघ के छोड़ दिया है, भूखे हैं लेकिन हलवा सूंघ के छोड़ दिया, और वही हलवा खा के अब दुनिया भर की बीमारी लाते हैं, दुनिया भर की बीमारी लाते हैं। ले ठीक है साहब, मैंने सबके नाम से लिस्ट, बहुत से लोगों के नाम डायरी में नोट हैं, हम उनका नाम लें या ना लें, अगर वो पैसा भेजते हैं तो उनका काम होता है, पैसा नहीं भेजते हैं तो मैं उनका काम करता हूँ। कितने छोटे से, कितने सुंदरी सुंदरू है भाई, अले लाम लाम कैसे खा ले हैं भैया, इनका करीब से दर्शन कर लो, अरे अंधो हैं, यही असली बालाजी हैं, कितने नन्हे से बालाजी खा ले हैं भाई, कितने छोटे छोटे खा ले हैं, ये देखो कितने सुंदरू सुंदरू बालाजी हैं भाई। तो आप लोग जो भी कोई पैसे भेजो हमसे भैया पूछ लिया करो, बिना पूछे भेजना हो तो 51115 ऐसे भेज दिया करो, उसमें कोई रकम बढ़ेगी नहीं, अरे बैंक वाले भी परेशान हो जाते हैं प्रिंट करते 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 करते, आप लोग एक बार भेज दिया करो, 5 रुपये महीने के हिसाब से, 11 रुपये महीने के हिसाब से,
एक बार भेज दो, हर महीने भेजना भी आपके लिए हिदक रहेगा, है ना, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। यही हनुमान जी की। और अगर आपके इलाके में बंदर है, जैसे बैद्यनाथ अग्रहरी ओबरा वाले, उन्होंने अपने खुद से खिलाना शुरू किया, हमें बड़ी खुशी हुई। भाई पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया अगर हमसे काम लेना चाहेगी तो मैं अकेले कैसे करूँगा। अब एक आदमी के मैं आज तलाश में हूँ, एक मटरू दीक्षित जी से कहेंगे, SP दीक्षित हरदी ग्राम वाले, उनकी तो पूजा की जाए तो कम है, उनसे कहेंगे कि महाराज कम से कम 6,000 रुपया 7,000 का महीना ले ले, कोई अधड़ आदमी दे दीजिए, पड़ा रहे लेकिन थोड़ी काम करने वाला हो, बातूनी ना हो और केवल उसके। यही तो मुश्किल है कि आज PS मिश्रा ने कहा कि सब मिल जाएगा, लो भैया जो बढ़ो ले, ए ए लो ए बुढ़े ए लो ये दे खाओ 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 खाओ, बहुत सीधा है। ए वहाँ फेंक दिया, बच्चों को मिल जाएगा। देखिए बच्चों को ये इतना बूढ़ा है, मतलब ये, लेकिन बच्चों को नहीं बोलता है ये, कहा वहाँ भी फेंक, झाड़ी के ऊपर फेंक दिया, ये सब उतर के खा लेंगे। नीचे कहीं नहीं उतर रहे हो भैया, तुम लोग रोटी बर्बाद करवा रहे हो, देव पकड़ो बिनो खाओ सब कुछ, क्या है मांगो ये, हाँ फिर मांगो, फिर मांगो, फिर मांगो। भिखारीन देवी, तुम्हारा क्या नाम रख दें, भिखारीन देवी, देखो उसको भूख रही है, उसकी आदत, देखो खाओ। हाँ फिर यहाँ चने भी खा लो, चने बिन बिन के खाओ, हमारे डर को आगे नहीं बढ़ता है ना, कि ये सब दौड़ा देते हैं, वो बेचारी सबसे दूर अलग बैठी है। तो ठीक है, मैं रख रहा हूँ, तो कहिए नाम लिख लिया, सामने आ गया, पहली बार इन लोगों भाई मिलते हैं तो उत्साह ना घटने पावे कि साहब हमने पैसा भेजा और बाबा ने रख लिया, मेरा नाम नहीं लिया। देखो देखो उसको डरवा रही, देखो हमारे डर के वहाँ बैठी है, अरे ये डंडा, ये धरा है डंडा, आओ 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 आओ, देखो उसको फिर भी दौड़ा दिया, देखो देखा, फिर भी उसको दौड़ाया डंडा दिखाने के बाद, कितनी दुष्ट है वो, कहें आदत है उसकी बोलने की। लो बूढ़े दादा और खा लो, एक ये उठा लो, तुम लोग भैया उठा लो, छोटे छोटे से ये छोटे छोटे से बालाजी लोग भाई खा रहे हैं भाई, अरे भाई बालाजी लोग खा रहे हैं भाई, ये ऐसे फेंक दिया लोग, हो सकता है उसमें ये उतर के ले लें। ठीक है साहब, कमरे को बंद करके यहाँ छतों पर डाल देंगे, यहाँ वहाँ वहाँ, तो इनको मिल जाएगा। अबे झाड़ झंझाड़ है भाई, वहाँ मकान है, ब्लॉक बंगला है, कुछ है, कोई है या नहीं है, हम बिल्कुल अलग, यहाँ कूड़ा करकट झाड़ जंगल, इसी में आके दे देते हैं। आखिरकार ये 24 घंटे यहीं रहते हैं, 24 घंटे इनका अड्डा है, समझ, हम इनको नहीं खाना देंगे तो भी यहाँ रहेंगे। अब यहाँ ये लोग किसका नुकसान कर रहे हैं, हैं? और जो लोग नुकसान को देखते हैं ना, वो जब मुसीबत आएगी तो देख लेना वो शनि या मंगल का होगा। अगर आपने बंदर को मना किया है खिलाने के लिए तो याद रखिए, जब भी संकट आएगा वो शनि या मंगल का दिन होगा, और आपको कोई बचा नहीं पाएगा, हनुमान जी की वो गदा पड़ेगी आपको। मकान बनवा लिया, फूल लगा लिया, सजा लिया, सब तुम्हारे लिए धरती है, इसीलिए भगवान ने मौत बना दिया कि चाहे जितना महल बनवाओ, चाहे जितनी हवेली बनवाओ, कुछ भी करो, लेकिन मौत तुम्हें घसीट के ले जाएगी। और कहा, और तीरथ घूमने से और मजीरा बजाने से राम नहीं मिलेंगे, राम मिलेंगे राम काज करने से। ठीक, मैं वाणी को विराम देता हूँ, जय श्री राम, जय श्री राम। आज की तारीख है 24, कल रामनवमी है, कल रामनवमी में फुर्सतगंज भी हमको जाना होगा, कई जगह कार्यक्रम है, जहाँ पर जा पाएंगे जा पाएंगे, बाकी हमको ये यही कार्यक्रम भाता है, सेवा करो। माँ जुलूस निकाल रहे हैं, बैंड बज रहा है, हजारों रुपए फूंक रहे हैं, चलो ठीक है, एक आस्था की बात है, जागृति करो, लेकिन ये पूरी ताकत इस समय राम मंदिर के बनवाने में लगाओ,
सबका एक सूत्र कार्यक्रम होना चाहिए। हर महीने हर हफ्ते राष्ट्रपति के पास लाखों करोड़ों चिट्ठियां पहुंच जाएं। हर हफ्ते राम काज करो। मंदिर एक देखिए आस्था है, प्रतीक की बात है, आन शान की बात है हमारे देश के लिए। वैसे मोदी योगी ने तो महामंदिर की व्यवस्था कर दिया है। भूचल खाने जो भी बंद करवाए हैं, जितना उनमें क्षमता थी उन्होंने महामंदिर का व्यवस्था कर दिया। मैंने कई बार कहा है, बैठ के पेड़ में थोड़ा रोटी फेंक दें, दो छोटे छोटे से बालाजी वहाँ पर हमको दिखाई पड़े हैं, लो भैया लो खाओ। वहाँ फेंकेंगे, वो नीचे उतर के गए हैं बालाजी, तो बालाजी को भाई देंगे जा करके। हम वहाँ पर ये यहाँ आ गए, ए यहाँ यहीं उतर के गए हैं बालाजी, लो बालाजी ये मैंने फेंका, अभी नीचे बिन के खा लेंगे सब। देख रहे हैं सब कांटे कांटे है ये, ठीक। वो देखिए वहाँ आ गए हमारे, अच्छा वो हलवा खा रहे हैं बूढ़े दादा, लेके भागे। देखिए आप देखा बढ़ो को ये पूरी झिल्ली पूरा हलवा उठा ले गए। देखा मौका कि बाबा तो हाँ यहाँ से हट गया। ये देखो पूरा हलवा लेके बढ़ो जा रहे हैं, ये देखो हाथ में दाबे हैं। चलो कुछ खाएंगे कुछ गिराएंगे। अरे छोटे छोटे बालाजी भाई वहाँ बैठ गए हैं, कितने छोटे छोटे खा रहे हैं, कितना सुंदर दृश्य है, कितना आनंद करने वाला दृश्य है। यही भगवान की कथा है, यही हनुमान की कथा है ना। हनुमान जी कथा सुनने से, हनुमान चालीसा से एक सुई के नोक बराबर तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं देंगे। ये उन्हीं की सेना है, उन्हीं का प्रारूप है, उन्हीं के अंशज वंशज हैं सब। इनकी सेवा करो, समझ लो इन्हीं की सेवा कर करके पूरी दुनिया में श्याम साधु अच्छा गया। देखिए खूब बड़े आराम से बढ़ऊ ले गए अकेले सब, उसी झिल्ली से निकाल निकाल के खा रहे हैं। देखिए ये देखिए बड़े आराम से खा रहे हैं, अकेले सब बुला लेके चले गए जहाँ भटे। कहा लेते भैया तुम बड़े छोटे से हो, बालाजी आ गए। एक बालाजी वो आ रहे हैं, देखिए अब सब धीरे धीरे उतर के आ रहे हैं। लो भैया बालाजी लो लो, ये मैंने लूटी फेंक दिया भैया, तुम भी ले लो बालाजी, तुम भी खाओ बिन बिन के भाई, तुम भी बालाजी खाओ। देखिए वो बढ़ऊ के बगल में छोटा सा बच्चा है, वो मजाल नहीं कि हलवा में हाथ लगा ले। और देखिए कितना नन्हा सा है बढ़ऊ के बगल में, और बढ़ऊ सब खाए ले रहे हैं। यही बताया ना, ये मनुष्यों की भाई, मनुष्य ही ये थे पहले, ये मनुष्य ही थे पहले, मतलब मनुष्य इसी इन्हीं से बने हैं। लो भैया और ले लो तुम, क्या ले 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 भैया, ले 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 भैया, तुम भी ले लो भैया। आ लो चारों तरफ देखिए हम आ रहे हैं धीरे धीरे, मैं रोटी फेंक रहा हूँ, ये देखिए सब सबको मिल जाएगा, सब खाएंगे बिन बिन। और थोड़ा मैं डाल दूँगा, ये तू हमारे डर के उतनी दूर है बेचारा। ले भैया तेरे पास ही रोटी पहुँच रही है, खा ले शाबाश। लो और ले लो भैया खा लो, तुम ले लो खा लो भाई, इधर झोले में निकाल के खा रहे हैं। भिखारीन जो है यहाँ आ गई, अरे ये बड़ी जोर से भिखारीन है, भिखारीन को मैंने छू लिया तो भगी बड़ी जोर से। देखो हाथ से छुआ तुमने क्यों, लो भैया लो बालाजी तुम भी खा लो भाई। हाथ से मैंने छू लिया के बद भिखारीन को चौंके भागी। सब लोग आ गए भैया, अरे छोटे छोटे से बालाजी आ गए भाई, तमाम बालाजी लोग आ गए, वहाँ भी बैठे हैं, वो बैठे हैं, हैं? और वहाँ बैठे हैं बालाजी लोग। लो भैया लो, तुम लोग चने भी खाओ बिन बिन के, चने भी खाओ, रोटी भी खाओ, चने भी खाओ। वो दूर से बालाजी आ रहे हैं हमारे, और वो नन्हे नन्हे से आ रहे हैं, वो नन्हे नन्हे से आ रहे हैं बालाजी। कितनी संख्या बढ़ गई, शुरू में जब मैं चिट्ठी पढ़ रहा था, लोगों के नाम ले रहा था, चारों तरफ घुमा के फेंकेंगे, इधर फेंकेंगे थोड़ा हट के, ये सबको मिल गया। लो सब आ रहे हैं धीरे धीरे, वो देखिए हमारे डर के बेचारा वो वहाँ है। ले भैया ले भूटिया शैतान ले, उठा जा ये भूटिया शैतान है इसका नाम।
वो देखिए भूतिया शैतान बाहर बाहर रहता है, एक बेचारा वो वहाँ दीवार पर चला जा रहा है। अब कैमरे को मैं बंद करके मैं वहाँ अब चारों तो मैं बांटूँगा सब, वहाँ वो ड्रमों में रख दूँगा, जहाँ जहाँ है छत के ऊपर डाल देंगे। ठीक, अब इनकी संख्या आ गई है, अब ये लोग चुन बिन के सब खाएंगे। ले भैया ले खाओ खाओ, बिन बिन के सब पड़ा हुआ। ठीक देखा आपने, जब प्रकार कोई चोली थी वो सब आ गई थी। कुछ उस पार भी फेंक दे क्या है, उस पार फेंक दे क्या, ले ए, ए, ये फेंक दिया। हाँ, नीचे उतर के जाके खा दो, देखो लोग सब नीचे गौर से देख रहे हैं। ए, ये ले ए, अब उतर रहे हैं सब, यहाँ उतरने की जगह है। कहाँ फिर फेंक दिया मैंने, खाओ रोटी काफ़ी है, शनिवार है आज इनका पेट भरा है। जो बढ़ऊ हलवा खा के झिल्ली गिराए हैं उससे निकाला जा रहा है। देव अरे देव भैया गलो मत भाई, अरे छोटे से बालाजी हैं भैया, अरे ले ले कितने अच्छे से बालाजी हैं भाई, अरे बड़े छोटे से बालाजी हैं भाई। देव भैया आओ ले लो, बालाजी का आ गए हमारे पास में भाई, अरे जितने वो मीना बेन और पुष्पा बेन हैं सबको आशीर्वाद दो, यही आशीर्वाद है। आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, इन्होंने खाया, इससे इससे बड़ा आशीर्वाद अगर हनुमान जी का कोई हो तो दुनिया वालों मुझे बता दो, मुझे समझा दो, हमारे सामने बोल नहीं पाओगे भाग जाओगे। तो 70 साल पूरे जीवन के हमारे लग गए हैं, 80 साल की हमारी उम्र है, दो महीने तीन महीने कम। 2 जून को हमारा जन्मदिन होता है, हमें खुशी होगी कि अब की बार जन्मदिन पर पूरी दुनिया में हमारा जन्मदिन लोग मनाएंगे। भाई उनका काम हम करेंगे, उनसे यह कहेंगे कि आप लोग 2 जून को दिन में 10:10 पर, रात हो या दिन हो, 2 जून को आप लोग कुछ बच्चों को दे दीजिएगा, आपके बंदर नहीं चिड़ियों को दे दीजिएगा, बच्चों को दे दीजिएगा, है ना। तो हमें अपार हर्ष होगा, खुशी होगी कि मैं दुनिया का अपने देश का भारत का मैं पहला व्यक्ति हो जाऊंगा जो दुनिया के कई कोनों में हमारा लोग जन्मदिन मनाएंगे, उससे बढ़ के मेरे लिए सम्मान और उससे बढ़ करके मेरे लिए सौभाग्य की बात क्या होगी। हमें कोई सम्मान की जरूरत, इसीलिए मैं सम्मान के लिए ले 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 खाओ, वो बुढ़ा घबरा ले 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 खाओ, उठाओ उधर मत देखो, डंडा हम रखे हैं। अच्छा ये बढ़ाओ, वो डंडा रखा है हम बताए दे रहे हैं, वो बदमाश वाला है क्या ये है? जाए ये कांटा बहुत है यहाँ पर, नहीं वही बदमाश वाला आया है सबको भगाता है। आओ आओ भैया आओ, मैं आ रहा हूँ, क्यों क्या भाग का है गया, आओ खाओ भैया तुम लोग खाओ निकाल के, डरो मत भाई, उसको हम बदमाश को भगा रहे हैं, देव उसको हम लोग बदमाश को भगा रहे हैं। ये देव भैया बिन बिन के सब कोई घोर, छोटे छोटे बालाजी आ गए, देव भैया वहाँ भी चले बिन बिन के, खाओ भाई खाओ सब, ये खाओ। सब मौके से आ गए, शुरू में जब मैं नाम लोगों के पढ़ रहा था इसमें मिट्टी नहीं है, सब ढूंढ ढूंढ के खा लेंगे, ढूंढ लो खाओ, किसी को रोटी पसंद है, किसी को कुछ पसंद है भाई, लो भुटिया तुम भी खा लो, चलो ठीक। छोटे छोटे आ गए, अब मैं कमरे को बंद करता हूँ, काफ़ी लंबी हमारी वीडियो बन जाती है, अब इसी में हम दूर दूर यहाँ वहाँ सब सब तक पहुँचा देंगे। आपने देखा है ये खा रहे हैं समझिया, इससे बड़ी कोई हनुमान जी की पूजा है जितनी जो भी कहोगे हम हार जाएंगे, इससे बड़ी कोई हनुमान की पूजा हो, आरती हो, बजरंग बाण की कोई भी पूजा हो, कोई भी हनुमान का भोज हो, इससे बड़ी कोई चीज़ हो तो मुझे बताओ और तर्क करो। हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी, इन्हीं को देख के हनुमान हम लोगों ने बनाया, उनको लड्डू दिखा रहे हैं गपा गप खा रहे हैं, है? बड़े अफसोस की बात, अंधा समाज। कबीर साहब ने कहा था यह जग अंधा, और कई समझाऊं अंधा है समाज। ठीक, मैं कैमरे को बंद कर रहा हूँ, यहाँ लोग सब देख रहे हैं चारों तरफ,
वो बालाजी आ गए, बहुत छोटे छोटे बालाजी आ गए। ठीक, कमरे को बंद करके अब हम दोनों हाथ से देंगे, कुछ वहाँ दीवार पर देंगे, कुछ वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। ठीक, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और राम का करो काम, यही राम का काम है। बंदर भूख से मर रहे हैं, मंदिर में बैठे हैं, लाइन लगाए हैं। अच्छा, मिले तक हनुमान जी हैं? काहे लिए चरपैया में हग हग के मरते हो भाई? हनुमान भक्त कहो तो हनुमान जी आवे, तुम्हारी रक्षा करें आकर के। इसलिए मैंने देशवासियों से कहा, प्रतिष्ठा की बात है राम मंदिर के लिए, आप लोग बस पोस्ट कार्ड लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, सरकार की भी ताकत बन जाए। जब करोड़ों करोड़ों में हस्ताक्षर पहुंचेंगे, सरकार को एक ताकत मिलेगी, जो चाहेगी वो सरकार कर सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, यही है राम का काम। जय श्री राम है, यही है राम का काम, यही राम का काम करवाए। अच्छा, यही राम का काम, यही है राम का काम। जय श्री राम अब करो राम का काम, जय श्री राम अब करो राम का काम, जय श्री राम करो राम का काम। कैमरा करीब ले जाएंगे तो भाग जाते हैं, कैमरे में हाथ ना मारते ना भाई, तुम मार खाने में लगे होंगे। तुम तो बड़े सुंदर सुंदर हो भाई, हमारे कैमरे में हाथ ना मारते ना भाई। वो देखो छोटे को डरवा रहा है, ये उससे थोड़ा बड़ा है ना, हैं छोटा सा नन्ना सा। ले भैया तुमको हम लूटी वहीं दे रहे बालाजी, ये तीन तीन बालाजी ये उठा दो, रोटी उन्हें अंदर गिरा है, कुछ बाहर गिरा है, उठा दो, अभी उतरेंगे सब। ये वहाँ गए, देखिए छोटा सा बच्चा गया, वहीं डाल पकड़ के उतरेगा, यहाँ उतरने की कोई गुंजाइश है नहीं। ठीक, थोड़ा वहाँ डाल देंगे। ठीक, कितनी बढ़िया मैं वीडियो बना देता हूँ, समझा देता हूँ। अरे अंधो समझो, सीखो, हाँ से नहीं इधर, हमसे इधर, ये सितंबर, अरे मार्च रख लीजिए, मार्च 17 से लोग जुड़े हैं। मार्च 17 के पहले कैसे मैं खिलाता था, मैं कैसे झेलता था, कितने भयानक भयानक कष्ट उठाए हैं। केवल बंदर ही नहीं, जानवरों की सेवा, घायल बंदर, कुत्ता हो, है वो क्या नाम, सुअर हो, गधा हो, यही करते 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 पूरी उम्र बीत गई, सारी पूंजी अपनी गंवा दिया इसी ने। तब आज दुनिया के सामने मुँछे तान के मैं बोल रहा हूँ, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। और ले लो भैया चना, आज तो शनिवार है भैया, ये चने का कितने बढ़िया बढ़िया टाइप के मैं चने मंगाता हूँ, ये नहीं कोई घटिया सामान हो। लोग हो ना हर जगह कमीशनबाजी, मुझको क्या मिलेगा, मेरा क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, हमने तो पूरी ज़िंदगी लगा दिया हुजूर, मैंने कहा नहीं कहा कि मेरा क्या फ़ायदा होगा। ऐसा तो कहिए घर में कुछ कहा भाई, तभी से पत्नी को नौकरी से लगवाना पड़ा कि भैया तू अपना खर्चा संभाल ले, रोज रोज का झगड़ा ख़त्म हो जाए। शुरू में तो बहुत विरोध उनका भी झेलना पड़ा, कहते छोटे से बालाजी आ गए भैया तुम, बालाजी लोग खा रहे हैं, देखो बालाजी, देखो ये बुढ़िया आ गई, देखो ले तुम खाओ भैया बालाजी, तुमको थोड़ा सा हम पीछे भी देंगे बालाजी, है ना, हे बालाजी उधर खाओ, हे ये अब पीछे डाल दिया। हालांकि पट्टी में चने छिप जाते हैं सब, ये देखिए एक बेचारा भूतिया शैतान आ गया, हे ऐसे फेंकेंगे इसको मिल जाएगा, देखो भूतिया शैतान, इसको कुछ हमारे ख्याल से चना भी दे दिया जाए ना, भूतिया शैतान जो है वो चने के चक्कर में आया है, यह खाएगा बिल्कुल। वहाँ वाली थी वो, ये देखो ये देखा ये दुमकटी पूंछ सड़ रही है दुष्ट की, अब वो बेचारी दूर से आई है खाने के लिए, उसको भगा दिया, ये देखो खाओ, अब आ रहे हैं तुम्हारे पास आ रहे हैं। ठीक, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा मम्मी के पीछे भैया खा रहे हैं छोटे से बालाजी, ये नन्हे से बालाजी आ गए, लो भाई बालाजी ये ले लो अपने हाथ से खा लो बालाजी, कितने छोटे से बालाजी आ गए भाई, कितने छोटे से हैं पुष्पा बेन को देखिए, ये ऐसे खिलाते समय किसी का नाम लिया जाए, किसी के लिए आशीर्वाद मांगा जाए, हैं कितने छोटे से, खाओ भैया खाओ भैया, खाओ भैया खाओ भैया, लो भैया तुम मम्मी के पास में हो भाई,
तुम मम्मी के पास में हो भैया, खाओ। वो दो लोग वहाँ बैठे हैं भाई, तुम लोग भी खाओ आराम से। ठीक, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जै श्री राम।